release one electric charged particle at any one location. Then it will apply force on another charged particle. दूसरा charged particle हम यहाँ पर रखते हैं और हम ये देखते हैं कि ये एक force experience करता है. यहाँ रखते हैं तो देखते हैं कि ये एक force experience करता है. यहाँ रखेंगे तो ये इधर force experience करेगा. यहाँ रखेंगे तो इधर करेगा और इससे 10 किलोमीटर दूर ले जाकर रखेंगे तो वहाँ पर भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फोर्स बहुत कम हो जाएगा क्योंकि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होता जाएगा. ओके, लेकिन ये फोर्स लगाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस लोकेशन पर इसने अपना इफेक्ट दिखाया. अगर ये नहीं होता तो इस पर फोर्स नहीं लगता. तो यहाँ पर ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है. यहाँ पर भी ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है. यहाँ से और दूर जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं तब भी ये अपना इफेक्ट दिखाता है. तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ एक पर्टिकुलर स्पेस में अपना इफेक्ट दिखाता है. ये जो स्पेस है जिसमें वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस चार्ज. So, electric field created by a charge is the space around it in which it can show its effect. Effect मतलब दूसरे charge पर ये force लगा सकता है. And if any other charge enters that space, then it will apply force on that. So, इसको note कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज. तो ये एक स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. अब ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसने इफेक्ट दिखाना है वो चार्ज हमें दिखता है या नहीं दिखता है कि वो किस में है, लेकिन वो कहीं है. अगर कहीं है तो उसका इफेक्ट कितनी दूर तक जाएगा? आइडियली हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्फिनिटी तक काम करता है. तो किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होता है. ये एक चीज़ हमको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर तक काम करता है. आंसर है इन्फिनिटी तक काम करता है, लेकिन ये इन प्रिंसिपल है. प्रैक्टिकली थोड़ी दूर जाकर वो इतना वीक हो जाता है कि हम उससे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करवा सकते. Practically, it becomes very close to zero. But in principle, it extends up to infinity. जब हम काफी दूर चले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो इतना कम हो गया है कि हमारे लिए नहीं के बराबर है. इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे मोबाइल में जो टावर आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है. और हमको मालूम है कि जब हम चार्ज्ड पार्टिकल यानी टावर के नज़दीक रहते हैं तो वो पूरी 5 लाइन दिखाता है. जैसे जैसे दूर जाते हैं वो वीक होते जाता है और काफ़ी दूर चले जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है, टावर नहीं आ रहा है. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वीक हो चुका है कि वो हमारे मोबाइल के अंदर कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा. That is the this situation. It is non-existing. It has become so weak. But in principle, 1/r² में r की आप कोई भी value रखिए, zero नहीं होगा. So it goes up to infinity. Okay. ये जो electric field इस charge के कारण बना, this is electric field. Okay. अब इसी को दूसरे तरह से हम देखते हैं. इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? हमने देखा हमको आसपास कोई सोर्स नहीं दिख रहा है, फिर भी हम श्योर करना चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है. तो अभी मैंने बताया मोबाइल हमने उठाया, उठाकर देखा टावर आ रहा है. इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल होता है.
उस चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ पर रखा, मोबाइल में रखा, हाथ में रखा, जैसे भी रखा, जैसे हम किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर रखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स क्यों लग रहा होगा, चार्ज पर कौन फोर्स लगाता है, कोई दूसरा चार्ज ही फोर्स लगा रहा होगा, तो वो चार्ज यहाँ पर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल रखा और देखा कि उस पर फोर्स लग रहा है, तो हमने क्या डिक्लेयर किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब हम दूसरे कमरे में ले गए, दूसरे कमरे में हमने ले जाके देखा कि यहाँ पर उस टेस्ट करने के लिए एक चार्ज को रखा तो देखा उस पर ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि इस फोर्स से डबल है और इस डायरेक्शन में। तो हम क्या कहें, डिक्लेयर करेंगे कि उस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ऐसी है और उसकी स्ट्रेंथ इससे डबल है। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स जो है वो 2 times है और डायरेक्शन इस तरफ है। तो इस तरह से तीसरे जगह पर हम ले गए, वहां ले जाकर जब हमने चार्ज को रखा तो देखा उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फील्ड जीरो है। अब वहां पर इस रूम में, उस रूम में या तीसरे रूम में हमको कोई चीज दिखती नहीं है, लेकिन हमको मालूम है उस स्पेस में कुछ है जो कि क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो वो क्या है, कुछ है, उसका नाम हमने क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में फैली हुई एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है, एक ऐसा गुण है इस स्पेस का, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम यहाँ चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो देखते हैं वो ऐसे भाग रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई होता है। दूसरे रूम में हम गए, पूछा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज रख के देखा, अगर चार्ज पे फोर्स लगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं तो नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने एक और डेफिनेशन बनाई, ये डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पेस ड्यू टू विच एनी चार्ज प्लेस इन द स्पेस एक्सपीरियंस फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस डेफिनेशन को भी नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पेस ड्यू टू विच एनी चार्ज प्लेस्ड इन इट मीन्स इन द स्पेस एक्सपीरियंस फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिकॉज दिस चार्ज इज हेल्पिंग अस टू टेस्ट वेदर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड और देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल कॉल इट टेस्ट चार्ज। अब अलग अलग केस देखिए, इस टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पर रखा, इस पर फोर्स लग रहा है 1 newton। इसी टेस्ट चार्ज को हम दूसरे रूम में ले गए, वहां ले जाकर जैसे ही हम छोड़ के देखते हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है 5 newton। तीसरे रूम में ले गए, वहां पे फोर्स लग रहा है 10 newton। एक ही चार्ज है, अलग अलग स्पेस में अलग अलग फोर्स लगता है। तो हमारे पास डिक्लेयर करने के लिए क्या है, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि फोर्स ज्यादा लगता है। वहां पर फोर्स और ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश की, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनेट हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब हमने एक नया शब्द बनाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत होती है जिसके कारण वो फोर्स लगाता है उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी, कितना इंटेंस है, कितना तेज है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने एक साइन बनाया, दैट इज कैपिटल ई। दिस विल स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई और एफ हमको क्या मालूम है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज क्यू। तो ये एफ जिस रूम में जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फोर्स उस पर लगेगा। ठीक, अब इस कमरे में हम एक चार्ज लेकर आए, टेस्ट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रखा, देखा इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगता है। उसके बाद हमने ये टेस्ट चार्ज रखा, इस पे 3 न्यूटन फोर्स लगता है इसी जगह पर। उसके बाद हमने एक ये टेस्ट चार्ज रखा, इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगता है। अब एक ही लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो एक ही होनी चाहिए, तो फोर्स अलग अलग क्यों लगता है, क्या अंतर है इनमें? आप देख रहे हैं साइज का अंतर है। इसका ये मतलब है कि इसके पास चार्ज अगर 1 क्यू है तो हो सकता है इसके पास 2 क्यू होगा, इसके पास 3 माइक्रोकूलम होगा। इसका ये मतलब है कि जो पार्टिकल पर हम फोर्स लगवा रहे हैं उसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इसी चीज को हम लिख लेते हैं कि उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स और किसके प्रोपोर्शनेट है, क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। तो यहां पर हम किसी पार्टिकल को रखें, इस पर जो फोर्स लगेगा ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक इस स्पेस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और दूसरा इस पार्टिकल के अंदर चार्ज कितना है, क्यू। अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया और ये बन गया F इज इक्वल टू क्यू ई और एक कांस्टेंट, ये इक्वालिटी का कांस्टेंट। इस इक्वालिटी के कांस्टेंट को हम दूर करना चाहते हैं, इसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, F अपॉन क्यू इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट ऊपर हो या नीचे हो दैट इज ए कांस्टेंट। ओके, ये अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं और इस तरह से डिफाइन करते हैं कि K की वैल्यू 1 हो जाए। कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने ये बनाई कि अगर हम एक यूनिट चार्ज ले, एक यूनिट चार्ज 1, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए कि इस 1 यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन बन जाए। शुरू किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया, ये फोर्स 0.2 न्यूटन हुआ, 0.5 न्यूटन हुआ और फिर कितना हो गया, 1 न्यूटन, 1 यूनिट। उस समय हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक दिया, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है उसको हम क्या बोलने शुरू कर दिए, उसको हमने बोलना शुरू कर दिया ये 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हेन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस 1 यूनिट ऑफ फोर्स, देन वी से एट दैट लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 यूनिट। और वो अगर हम इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब अगर K की वैल्यू 1 आ गई तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, E इज इक्वल टू F अपॉन Q और F इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E, ये हमारा इक्वेशन बना। तो हमने E की वो डेफिनेशन याद कर ली, वो E की हमने यूनिट याद कर ली और उसको नोट कर लिया, व्हाट इज यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड।
So this is definition of one unit of electric field intensity. और हमारा इक्वेशन क्या बना, F is equal to QE and E is equal to F upon Q. Yes. Now, this electric field, is it a vector quantity or a scalar quantity? यहाँ पर हम देखते हैं Q एक scalar quantity है, तो E क्या हुआ? E is equal to F, F is a vector quantity, so E is a vector quantity. Let me write here, E is a vector quantity. Intensity of electric field E is a vector quantity. अगर E वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और इसकी डायरेक्शन कितनी होती है, इसको देखते हैं. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. इन दिस रिलेशन इफ क्यू इज इक्वल टू वन देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स. और इसी को हमने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लिया. If we place a unit charge at any location, then whatever force it is experiencing, that will be known as electric field intensity at this location. Electric field intensity at a location is the force experienced by a unit charge placed at that location. ये उसके बराबर हुआ. The direction of electric field is the direction of electric field is the direction of force experienced by the charge. कौन सा charge? Test charge. जिससे जिसको यहाँ रखकर हम फोर्स लगवाकर टेस्ट करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं. ओके, अब उसके बाद हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का कूलम. सो यूनिट E, दिस इज न्यूटन कूलम. सो वी कैन से इट इज न्यूटन पर कूलम. सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. बाद में जाके हम देखेंगे इसके कुछ और यूनिट्स भी हमने बनाए हैं, वो बाद में आएंगे. सो दिस इज यूनिट
Now, what are the dimensions of electric field? Dimensions of intensity of electric field. फिर से F के dimension क्या होते हैं? M L T minus 2. Q, charge is equal to current into time. Ampere into time. A T. So electric field के dimension क्या हुए? This is M L T minus 3 A. These are dimensions of electric field intensity. Intensity of electric field is MLT minus 3A. So, this is electric field. Now, this electric field we have established a relation with test charge and the force experienced by test charge. Ab, electric field ka source kya hai? Kaun banata hai source? तो सबसे शुरू में हमने बात की थी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए चार्ज. एक चार्ज कहीं रखा है, वो चारों तरफ अपना इफेक्ट दिखाता है और उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दैट चार्ज. अब उस चार्ज की बात करते हैं एंड वी कॉल इट सोर्स. Source of electric field. Source of electric field is an electric charge. Okay. इस electric charge को हमारे source electric charge से अलग दिखना चाहिए, इसलिए हम इसकी notation रख देते हैं capital Q. Okay. So this electric charge is the source of electric field. तो इसको हम टेस्ट किससे करेंगे? टेस्ट भी करते हैं तो टेस्ट चार्ज से करते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज का बनाया हुआ फील्ड किसके द्वारा टेस्ट किया जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा. जैसे अर्थ के पास मास है, मास के द्वारा बनाया हुआ फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको टेस्ट करने के लिए हमको मास ही चाहिए. तो वो मास पर फोर्स लगेगा क्योंकि बनाने वाला कौन है? मास. इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाने वाला कौन है? चार्ज. इसलिए फोर्स भी किस पर लगेगा? चार्ज पर लगेगा. उस बॉडी के मास से कोई रिलेशन नहीं है, उसके चार्ज से रिलेशन है. अब यहां पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू, ये चारों तरफ स्पेस में अपना इफेक्ट क्रिएट करता है. अगर स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा. मान लीजिए यहां पर एक टेस्ट चार्ज हमने रखा Q, यहां से ये इसका डिस्टेंस है R, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा. अब इस Q चार्ज पर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? इसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो तरीके. हम ये मानते हैं कि यहां पर जो स्पेस है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का. अगर ये हमको नहीं भी दिखता है तो किसी चार्ज का यहाँ पर इफेक्ट है, इसीलिए इस पर फोर्स लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है. राइट. अब जो इस पर फोर्स लग रहा है, हमारे पास उसके दो नोटेशन है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार हमने पढ़ा कि वो फोर्स कितना होगा, Q इंटू E. ये लेकिन न्यूटन्स लॉ भी हम पढ़ चुके हैं और न्यूटन्स लॉ में हमने ये देखा कि ये फोर्स कितना होता है. दिस फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स कांस्टेंट, लेट्स कॉल इट सी, और लेट्स राइट इट 1/4πε0 इन फ्री स्पेस, देन क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर. ओके, दिस इज द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. लेकिन चार्ज तो एक ही है, फोर्स इस पर एक ही लग रहा है क्योंकि ये एक सेट है. कैलकुलेशन का तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे और न्यूटन्स लॉ से ऐसे. इसका मतलब कि ये जो दोनों नोटेशंस हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर. इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन राइट इट एज
QE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught QQ upon R square unit vector R. अगर हम वेक्टर लिखते हैं, we should write it R. And this R, you know, it is 2-1. Okay, अगर आप नहीं लिखेंगे, no problem. Only magnitude we can write. दोनों तरफ से Q cancel. And what do we get? Electric field. So, electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. And the direction is unit vector R1, that is going from Q to that point. ये उसकी direction हुई. ठीक, electric field. तो ये उसका मैग्नीट्यूड देखिए. इस मैग्नीट्यूड में ये क्यू कौन है? सोर्स चार्ज. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज, हाउ मच इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास दो नोटेशन हो गए. एक ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये. और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस. ये कौन है? टेस्ट चार्ज. और ये कौन है? सोर्स चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दोनों रिलेशन हमको याद रखने हैं. वन इज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, वन इज विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट. अगर हमको नहीं मालूम कि सोर्स चार्ज कहाँ है, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखकर उस पर फोर्स लगने देंगे, उस फोर्स को नाप लेंगे. फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. और अगर हमको सोर्स चार्ज मालूम है और उसका डिस्टेंस मालूम है, तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये निकालने के लिए हमको टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं है. कैसे निकाल लेंगे? क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा. सो दिस इज द टू वेज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसी से ही हमने डेफिनेशन बनाई है. ये देखिए, फोर्स अगर इस Q को 1 कर देंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन बचेगा, ये किसका एक्सप्रेशन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का. सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारी डेफिनेशन बन गई. सो दिस इज रिलेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमको दिखता नहीं है, क्या वाकई होता है? तो आंसर है यस, इट इज ए रियल एंटिटी. रियल एंटिटी का क्या मतलब है? अगर ये रियल एंटिटी है तो ये करता क्या है? तो दो चीजें आपको हम बताते हैं कि ये करता क्या है. एक गुफा है, उस गुफा के दरवाजे पर एक स्पाइडर आकर अपनी वेब लगाता है, अपना जाल बना लेता है, और वो बहुत फाइन जाल है, बारीक, किसी को दिखता नहीं, ठीक. और वो स्पाइडर उस जाल में कहीं पर भी एक जगह पर है, और उसने अपना जाल चारों तरफ फैला के रखा है. एक इंसेक्ट कहीं से उड़ता हुआ आता है और गुफा के अंदर जैसे जाने लगता है, वो जाल उसको पकड़ लेता है, जाल फंस जाता है, और वो जाल उस पर फोर्स लगाता है ताकि वो वहीं रुक गया, फंस गया. तो जाल ने क्या किया? जाल ने दो काम किया. वो उस पर फंस गया, तो जैसे ही वो उस पर फंसता है, जो स्पाइडर है उसको खबर मिल जाती है कि मेरे फील्ड में, मेरे एरिया में एक इंसेक्ट आया है.
ये काम किसने किया? उस जाल ने किया जो फैला हुआ है। तो एक तो उसको इंफॉर्मेशन मिल गई कि मेरे एरिया में एक दूसरा इंसेक्ट आया। अब वो क्या करता है कि वो जो उस जाल में जहां इंसेक्ट आकर फंसा है उसको जाल को समेटता है और अपने मुंह से उसको खींच लेता है और वो जाल उसको लपेटता है इंसेक्ट को और लपेट के इंसेक्ट की उसके स्पाइडर की तरफ ले आता है। यानी स्पाइडर अपनी जगह से जाकर उस इंसेक्ट को नहीं पकड़ता है, वो क्या करता है उसी जाल को ऑर्डर देता है, वो जाल उसको ऐसे लपेटता है और लपेट कर खींच कर ले आता है कहां स्पाइडर तक। तो स्पाइडर ने फोर्स लगवाया किससे? इस जाल से। तो जाल ने दो काम किए, पहले स्पाइडर को इन्फॉर्म किया, दूसरा फोर्स लगवाया, फोर्स लगाने का माध्यम बना, फोर्स लगाने का मीडियम बना। तो इसी तरह से जो स्पाइडर है वो एक सोर्स चार्ज है और जो चारों तरफ उसने फैला के रखा है जाल वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हर चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला कर रखता है और उसमें जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आता है तुरंत इसको क्या खबर हो जाती है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा चार्ज आया और ये उसको खींच लेगा या इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंस्ट्रक्ट करके इसको पुश करवा देगा। सिमिलर चार्ज है तो पुश करा देगा, अपोजिट चार्ज है तो खींच लेगा, लेकिन ये फोर्स लगाएगा कौन? वो जाल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक हमने स्टोरी बनाई, एक तुलना बनाई जिससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर बैठती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी स्पेस में होता है। क्या ये तो कहानी है, पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है? फिर से रियल होता है। अब फिजिक्स में कोई चीज रियल है या सिर्फ फिक्शीशियस है, सोची हुई चीज है, इसका टेस्ट क्या है? बहुत क्लियर टेस्ट है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी रियल है तो वो किसी चीज को हिला सकती है। हिलना तो रियल है, अगर मेरे सामने ये पार्टिकल रखा है और ये ऐसे हिला तो इस पर फोर्स लगा कि नहीं लगा? उसको कोई सबूत नहीं चाहिए और जो फोर्स लगा रहा है वो रियल है। अगर मैं इसको यहां खड़ा कर दूंगा और मैं बोलूंगा अभी एक भूत आएगा और इस पर फोर्स लगाएगा और ये नहीं हिला तो हम क्या समझ गए? वो भूत है, वो रियल नहीं है। लेकिन अगर ये हिला तो हम समझ गए कि किसी ना किसी ने इसको टच किया होगा या किसी ना किसी तरीके से इसको प्रेस किया होगा तभी हिला। ये रियल चीज होगी तभी तो हिला पाएगा। तो किसी भी क्वांटिटी के रियल होने का टेस्ट क्या है? वो मूव करा सकता है, वो मोशन करवा सकता है, तब फोर्स लगाएगा, मोशन कराएगा, तब उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? रियल। अब ये टेस्ट बहुत ही आसान है। हमारे मोबाइल में अंदर में एक बेल लगी है, बेल के ऊपर प्लंजर लगा है जो बजेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक होती है, पर बेल को बजने के लिए एक मैकेनिकल मूवमेंट चाहिए। जब तक हिलेगा नहीं, वाइब्रेशन नहीं होगा, तो हमारे मोबाइल में वाइब्रेशन होता है, बेल बजती है, विच इज ए रियल थिंग, क्योंकि बजती है तो हमको सुनाई पड़ती है, कोई चीज हिलती है, हिलाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। अब हमारे मोबाइल में घंटी बजी, फोर्स आया, कहां से आ गया? तो हमने जो प्रिंसिपल बनाया मोबाइल का कि वहां पर टॉवर में एक चार्ज है, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपना जाल फैलाता है और हमारे मोबाइल का चार्ज उसके एरिया में आ गया, ठीक है, खड़ा है। अब वो चार्ज अपनी जगह पर ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर दिया तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या करेगा? हिलेगा। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हिलेगा तो ये वाला चार्ज भी क्या करेगा? हिलेगा। अगर ये हिलेगा और यहां पर घंटी है तो क्या करेगा? घंटी बजाएगा। ये कहानी हमने आपको बताई। अब आपसे पूछा घंटी बजी कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे? घंटी बजी। तो ये घंटी बजना एक रियल एक्शन है, इसका मतलब मैंने जो पूरी स्टोरी सुनाई पूरी रियल है। तो वहां का चार्ज हिला, यहां का चार्ज हिला, बीच में कौन है?
जो इस कनेक्शन को लेकर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड रियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमारे दिमाग में इस तरह से बैठा होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब सोर्स हिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के चारों तरफ है उस पर वो फोर्स लगाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, सो दिस वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह के होते हैं, जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसकी क्वांटिटी अभी तक हमने पढ़ी ये आर पर डिपेंड करती है। लेकिन ये लॉ जो हमने देखा ये कौन सा लॉ था, दिस वॉज कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ किसके लिए होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। इसलिए ये जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बना ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन क्या सब तरह की बॉडी में पॉइंट चार्ज ही होता है, आंसर है नहीं, चार्ज के बहुत तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह के होंगे तो उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज हैं वो भी अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरह के हो सकते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।